ये नोट शेयर हो रहे हैं? 10 o'clock तक ले जाना है। ओके हम ना केमिस्ट्री बसे फिजिक्स के बाद होती है। आई थिंक 9:20 तो हो गए, मुझे लगता है 10 तो बज ही जाएंगे, मुझे लगता है 10 तो बज ही जाएंगे। बच्चों हमने पहले डॉपलर्स इफेक्ट किया था, फिर हमने स्टेशनरी वेव्स के अंदर, नहीं स्टेशनरी, सुपर पोजिशन के अंदर भी हम इंटरफेरेंस सीख रहे थे, और इंटरफेरेंस में हमने इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसफर्स लाइक वाटर में इंटरफेरेंस सीखी, वो इतनी जरूरी नहीं है। फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल की इंटरफेरेंस सीखी, वो भी इतनी जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी भाई, मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की जो आपको इंटरफेरेंस की एग्जांपल दी, एक जरा मैसेज दोबारा कर दूं, कुछ बच्चे हैं। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि कौन से बच्चे हैं जो क्लास में नहीं होते, बिकॉज आई एम टोल्ड कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 104, तो व्हाई वुड जस्ट 94 स्टूडेंट्स बी देयर इन द क्लास? अस्सलाम वालेकुम बाबर, किधर हो बेटा? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बाहर यार। ये पता करो कौन से निकम्मे एब्सेंट हैं, एएस की क्लास है, चेक करो कौन से, मुझे इनकी वो लिस्ट बना के भेजो, ठीक है? ओके, फोन करके पूछो भी क्या सीन है। चलो जी, ये ध्यान दो जी, हम ये कह रहे हैं, मैं ग्रुप पे मैसेज दोबारा कर ही दूं कि कौन सी क्लास चल रही है अभी। इलेक्ट्रिकल की तो नहीं हो रही, दिस इज कॉपी, फिजिक्स, ताकि जो क्लास में नहीं है उनको एटलीस्ट एक इंटीमेशन मिल जाए। हाँ जी जी भाई, मुझे प्लीज ये बताइए, क्या पढ़ा रहा हूं आपको जनाब? यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया जा रहा है। देखो पहला मतलब, मुझे उम्मीद है आपको इंटरफेरेंस का मतलब तो समझ आया होगा कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव। अच्छा, इंटरफेरेंस के लिए क्या होना जरूरी है? दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का सेम होना और दोनों वेव्स का कोहेरेंट होना जरूरी है जी, दोनों वेव्स का कोहेरेंट होना और दोनों वेव्स का मोनोक्रोमैटिक होना, सिंगल फ्रीक्वेंसी होना और सेम सोर्स में से आना। तो हमने जब लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी कि यार ये हेडलाइट्स जो हैं, इनकी रोशनी जब आपस में ओवरलैप करती है तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। क्यों? बिकॉज टू वेरी बेसिक कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस आर नॉट सेटिस्फाइड। कौन सी वाली दो कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड? सर पहला मसला ये है कि जो रोशनी है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। रोशनी जो है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। व्हाट इज मीन बाय मोनोक्रोमैटिक नहीं है? मोनोक्रोमैटिक का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था ना सर, वो सिंगल वेवलेंथ नहीं है। जी सिंगल वेवलेंथ नहीं है वो, तो एक कितनी पता नहीं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक डिफरेंट वेवलेंथ हैं, वो सारी आ रही हैं। अच्छा तो पहली तो बात है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी। मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंगल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 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 बर्न करने से आएगी, या फिर लेजर लाइट किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होती है। फिर ये तो, हाँ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सर ये कोहेरेंट भी तो नहीं है। कोहेरेंट का सीन क्या था? कोहेरेंट के सीन आपको इस तरह से समझाया गया कि बेशक दो आवाजें हों, बेशक दो साउंड्स हों, दो वाटर वेव्स हों, दो लाइट्स हों, लेकिन उनका बैक स्टेज पे सोर्स सेम होना चाहिए। द टू इंटरफेरिंग लाइट वेव्स शुड बी कोहेरेंट। इन द अबव केस लाइट इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम फिलामेंट वायर्स ऑफ द लैम्प
and the emission of light from such hot object is always a random phenomena. So the light emitting from the two different sources can never be coherent. आप एक बल्ब इधर लगा दें, एक बल्ब इधर लगा दें, इस बल्ब को अलग से करंट प्रोवाइड करें और इस बल्ब को अलग से करंट प्रोवाइड करें, तो इस बल्ब में जो वायर है उस वायर में से जो जब उसमें करंट जाएगा तो उसमें से जो हीट रेडिएशंस एमिट होंगी वो एक अलग से रैंडम फिनोमेना है, और इस बल्ब में जब करंट जाएगा उसमें से जो हीट रेडिएशंस या लाइट रेडिएशंस एमिट होंगी वो भी एक रैंडम फिनोमेना है। तो चूंकि ये लाइट की हीट रेडिएशंस या लाइट रेडिएशंस का एमिट होना फ्रॉम व्हाट किस चीज में से लाइट रेडिएशंस का एमिट होना, बल्ब के वायर में से, फिलामेंट वायर में से लाइट रेडिएशंस का एमिट होना एक रैंडम फिनोमेना है। तो लाइट एमिटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। उनका तो कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से एक रेडिएशन निकल रही हो, यहां से ना निकल रही हो, यहां से इकट्ठी पांच रेडिएशन निकल जाएं, यहां से दो रेडिएशन निकले, तो उनका उनका जो फेज रिलेशनशिप है वो ऑल हर वक्त बदलता रहेगा, हर वक्त बदलता रहेगा, कभी भी सेम कॉन्स्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं होगा। अच्छा, तो एक कॉन्स्टेंट फेज रिलेशनशिप फिर कैसे बिल्ड किया जाए, कॉन्स्टेंट फेज रिलेशनशिप पर कैसे बिल्ड किया जाए? कॉन्स्टेंट फेज रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में यहां पे छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने यहां पे कोई कहानी छोड़ी थी। क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट वेव्स। जी ये कोहेरेंट वेव्स कहां से आती हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग द लाइट बाय व्हाट, बाय स्प्लिटिंग द लाइट coming from one source into two, splitting the light from one source into two, source एक होना चाहिए। अगर light rays का source एक हुआ, अगर light rays का source एक हुआ तो क्या होगा, फिर वो हाँ एक तरफ से रोशनी आ रही हो, आप आगे दो में split कर दें, फिर possible है। फिर क्या possible है सर जी? फिर पॉसिबल ये है कि दोनों कोहेरेंट हो। क्या मतलब इस बात का, नहीं समझ आया? ओके, सबर करो, समझाता हूं। मतलब समझाने के लिए ये साहब है ना, क्या नाम है भाई, क्या नाम है इन साहब का, यंग साहब, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक था ना किसी जमाने में यंग्स मॉडुलस, आई डोंट नो ये वही यंग है कोई और यंग है, खैर जो भी है, मुझे इस साइंसदान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है तो इसके एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये पता क्यों मशहूर है साहब, ये साहब इसलिए मशहूर हैं, इन्होंने लाइट की इंटरफेरेंस को साबित किया। इनसे पहले लाइट की इंटरफेरेंस ही किसी से नहीं होती थी, इनसे पहले लाइट की इंटरफेरेंस ही नहीं होती थी किसी से। कैसे उन्होंने क्या किया, दिस साइंटिस्ट टुक द अबव टू कंडीशंस इनटू कंसिडरेशन एंड परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट to show that interference of light can also occur। क्या किया इन्होंने, सुनो जी क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा एक काम करते हैं सुनो जी क्या काम किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है आपके सामने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है आपके सामने। What does he do? He takes a laser box. What is this? This is a ray box or a laser box. ठीक है, और a ray box. Some would say ray box, some would say laser box. ठीक है, इस laser box में से उन्होंने source of monochromatic light, laser में से एक chroma, monochromatic, mono single color. मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमा का मतलब कलर, सिंगल कलर, ठीक है, सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी या वन फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकालना स्टार्ट की। यहां से क्या हुआ जी, यहां से एक ही फ्रीक्वेंसी की ढेर सारी वेव्स निकाली गई इस रे बॉक्स में से, रे बॉक्स में से
एक तो ढेर सारी वेव्स निकाली गई, रे बॉक्स रेज 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 निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, ढेर सारी रेज निकल रही है। ओके हो गया, निकल गई जी। जब इनके आगे आपने क्या रखा, आपने इनके आगे एक सिंगल स्लिट बैरियर रखा। क्या रखा भाई? एक इधर सर आपने एक बैरियर रखा, इसमें छोटा सा पतला सा सुराख कर दिया। क्या कर दिया? इसमें छोटा सा पतला सा सुराख है, इसको उधर रखो थोड़ा ऊपर। इस बैरियर में एक सुराख है। व्हाट इज हैपनिंग? इस सुराख की क्या वजह है? सुराख की क्या वजह है सर? ये इधर से लेकर इधर तक एक पतला सा सुराख है इसमें, ठीक है, सिंगल स्लिट बैरियर है, ठीक है। स्लिट क्या होता है? सुराख। ये ड्रॉ करना होता है हमें खुद से? नहीं, ड्रॉ नहीं करना, बस आप नोट्स में तो ड्रॉ करोगे, एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना। एग्जाम में क्या करना, उस तरफ जाता हूँ। एग्जाम में क्या करना, उस तरफ जाता हूँ। पहला काम ये कर लो जरा प्लीज, के अभी क्या करना उसको फॉलो करो, अभी क्या करना उसको फॉलो करो। दिस इज अ सिंगल स्लिट बैरियर। इस सुराख में से मैं आपको बात बताऊं, इस स्लिट का जो विड्थ है, सिंगल स्लिट, स्लिट कहते हैं सुराख को, ठीक है। इस सुराख का जो सीन है पता क्या है, इस स्लिट की जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए? इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द लैम्डा ऑफ ऑफ द लाइट। ये जो आप यहां से लाइट भेज रहे हो, जो सिंगल कलर की है, जो सेम, जो एक सेम फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी ना लिखो, क्या लिखो? सिंगल फ्रीक्वेंसी की है। एक सेकेंड यार, मैं इससे तो जान चुका। जी सिंगल फ्रीक्वेंसी की, यहां से जो वेव, उसकी कोई वेवलेंथ भी तो होगी ना, जितनी उसकी वेवलेंथ है ऑलमोस्ट उसी जितना इस सुराख का गैप है, ऑलमोस्ट उसी जितना इस सुराख का गैप है, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? डायफ्रेक्शन होगी सर। जी भैया क्या होगा? डायफ्रेक्शन होगी। व्हाट इज मेंट बाय डायफ्रेक्शन? व्हाट इज मेंट बाय डायफ्रेक्शन? जी भाई, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। After passing through what? A slit for a gap. After passing through a gap, जिस gap को मैं slit कह रहा हूँ। Okay जी, what happens? You can see that. You can see क्या हुआ? Sir, इसमें से जब रोशनी गुजरी तो रोशनी फैल गई। किसी को problem इस बात से? इस सुराख में से जब रोशनी गुजरी तो रोशनी फैल गई। इसके फैलने को हमने क्या कहा? इसके फैलने को हमने क्या कहा? हमने इसके फैलने को डायफ्रेक्शन कहा। अब रोशनी किधर है? सर अब इस पूरी जगह में रोशनी है। ओके जी, इसमें किसी मसला? रोशनी फैल गई, ये इन दो रेस के दरम्यान में रोशनी ही रोशनी है, इन दो रेस के दरम्यान में रोशनी ही रोशनी है। ओके, फिर क्या किया आपने? एक सिंगल सोर्स से रोशनी आ रही थी, पहले लाइट रेज आ रही थी, सीधी आ रही थी, आपने आगे सुराख रखा, सुराख में से जब निकली तो डायफ्रैक्ट हो गई दो। अब आगे आपने क्या कर दिए? आगे आपने क्या कर दिए, सुनिएगा जरा गौर से। आपने आगे एक और बैरियर रखा हुआ है। अब इस नए बैरियर का क्या सीन है सर? इस नए बैरियर में दो सुराख है, ठीक है। नहीं, विड्थ का मसला नहीं है, विड्थ का मसला नहीं है, सबर करें सबर करें। हमने आगे क्या किया भाई? हमने आगे एक डबल, पहले था सिंगल स्लिट बैरियर, हमने आगे रख दिया डबल स्लिट बैरियर। डबल स्लिट बैरियर का मतलब क्या है? डबल स्लिट बैरियर का मतलब क्या है सर? हमने आगे ना दो सुराख रख दिए, हमने आगे एक और बैरियर लिया,
जिस बैरियर में कितने सुराख हैं, इधर भी सुराख है इधर भी सुराख है जी। सब्र करो ना यार, सब्र करो ना भाई। अब इन सुराखों में से क्या हुआ, ये सारी रोशनी जा रही थी ना, ये सारी रोशनी जा रही थी ना, उसमें से कुछ हिस्सा इसमें से निकल गया, कुछ हिस्सा क्या हो गया भाई सर, वो जो जो रोशनी थी वो रोशनी जो है ना कुछ इसमें से निकल, इसमें से जब निकली तो यहां से आके फैल गई, फिर जो रोशनी इसमें से निकली वो यहां से आके फैल गई। नाउ व्हाट हैपेंस, जी बच्चों मैंने कहा कि व्हाट हैपेंस इनिशियली कि देयर इज दिस लाइट जो कि सारी जगह पर है, ये सारी रोशन है जगह, ओके पहले ये रोशनी जा रही थी, यहां से निकली तो रोशनी फैल गई, किसी को मसला, ओके जब यहां से रोशनी निकली तो क्या हुआ, यहां से रोशनी इस रास्ते पे निकली, इस सुराख में से फिर फैल गई, ओके फिर इस सुराख में से अलग से फैल गई, जी भाई किसी को मसला है, ये रोशनी थी, हाँ जी इस सुराख में से जब निकली फिर फैल गई, ठीक है सर इस सुराख में से निकली तो जी फिर फैल गई, किसी को मसला है। अब जब लाइट फैली तो लाइट कहां पे जाके, अब इस सोर्स में से लाइट निकल रही है, इसमें से निकल रही है, ये लाइट यहां जाके क्या हुई, लाइट यहां जाके मिल रही है सर, हाँ जी जी भाई व्हाट इज हैपनिंग लिसन केयरफुली, देर इज अ रे बॉक्स इस डब्बे में से रोशनी निकल रही है, पहले तो सीधी सीधी रेस जा रही है, इधर से फैलेंगी, इधर से निकलेंगी तो फैल गई है, फिर जब फैल के आगे जा रही थी तो आगे हमने एक बैरियर लगा दिया, उस बैरियर में फिर कितने सुराख कर दिए, एक यहां सुराख था, इस सुराख में फिर डायफ्रेक्शन हुई, तो ये सारी जा रही थी सारी में था, इसमें से जितनी गुजर रही थी वो फैल गई, इसमें से जितनी गुजर गई वो भी फैल गई, फिर फैलते फैलते व्हाट हैपेंड टू देम, फैलते फैलते क्या हुआ सर, वो इस जगह पे जाकर ओवरलैप हुई, इधर लाइट जाकर ओवरलैप हो रही है, और जब जिधर ओवरलैप हो रही है इस जगह पे जब साइंसदान ने ऑब्जर्व किया तो इट इज द रीजन वेयर टू वेव्स इंटरैक्ट एंड एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड, इधर इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, इधर इंटरफेरेंस पैटर्न बनी है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज नाम है, मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पे रोशनी नजर आएगी फिर अंधेरा नजर आएगा, फिर रोशनी नजर आएगी फिर अंधेरा नजर आएगा, फिर रोशनी नजर आएगी फिर अंधेरा नजर आएगा, फिर रोशनी नजर आएगी फिर अंधेरा नजर आएगा। जब उसने यहाँ स्क्रीन लगाई तो उसको स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दिया, और वो पैटर्न कैसा था, अ कलेक्शन ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, अ ब्राइट फ्रिंज एंड अ डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, अब कलर जो भी है, नीला है तो नीला काला, नीला काला नीला काला नीला काला, येलो है तो येलो ब्लैक, येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक, और अगर ये क्या है, और अगर ये ग्रीन है तो ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक, रोशनी है रोशनी नहीं है, रोशनी है रोशनी नहीं है, रोशनी है रोशनी नहीं है, जहां रोशनी है सर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी, जहां रोशनी नहीं है सर वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी, वाओ समझ आया, हाँ जी किसको मसला है,
साइंसदान साहब कहते हैं कि आप जो है ना एक्सपेरिमेंट ये वाला क्यों करते हैं, क्या कहते हैं ये हेडलाइट्स वाला क्यों कर रहे हैं। लोगों ने कहा जी हेडलाइट्स को देखो ना, यहाँ से रोशनी निकल रही है, यहाँ से रोशनी निकल रही है, यहाँ पे जाके क्या हो रही है, यहाँ पे जाके ओवरलैप हो रही है। जब ओवरलैप होती है तो हमें तो कुछ पैटर्न नजर नहीं आता, यहाँ पे उन्हें तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी अच्छा फिर लाइट में तो इंटरफेरेंस ही नहीं होती। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट को गलत तरीके से कर रहे थे। क्या गलती थी उनके एक्सपेरिमेंट में, ये तो था, ये क्या था, ये व्हाइट लाइट भेज रहा था जो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं था, एक लाइट का स्पेक्ट्रम जा रहा था, यहां से हर तरह की वेव्स जा रही थी। फिर ये दो मुख्तलिफ सोर्सेस थे, टू डिफरेंट सोर्सेस थे, जिसकी वजह से कोहेरेंस भी नहीं थी दोनों में। इसकी रेडिएशन जब कभी दिल करता था निकलती थी, इसमें से जब कभी दिल करता था निकलती थी। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल कि स्क्रीन पे आपको क्या नजर आता, आपको स्क्रीन पे क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरफेरेंस नजर आती। हाँ तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, किस तरीके से, इस यंग्स डबल स्लिट वाले तरीके से एक्सपेरिमेंट करो तो इंटरफेरेंस होगी। क्या था यंग्स डबल स्लिट का तरीका, यंग डबल स्लिट ने क्या किया, उसने कहा भाई रोशनी लेंगे सिंगल कलर वाली, सिंगल कलर सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली, ताकि डिफरेंट वेव्स ना हो, एक ही तरह की वेव हो। पहले एक स्लिट से गुजार के फैलाएंगे वेव को, फिर उस फैली हुई वेव के आगे दो सुराख रख देंगे, फिर हर इस सुराख में से अलग से वेव फैलेगी, इस सुराख में से अलग से वेव फैलेगी, और जब दोनों फैलेंगी तो वेव्स कहां जाके ओवरलैप करेंगी, इस रीजन में दो वेव्स इंटरैक्ट करेंगी, ओवरलैप करेंगी, मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों वेव्स की सेम डायरेक्शन होगी, दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों वेव्स कोहेरेंट होंगी, तो क्या होगा सर, अब तो इंटरफेरेंस होनी चाहिए, तो होगी ना, क्या बनेगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न, किस तरह का पैटर्न, फुल डार्क, यस फुल डार्क, फुल लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क, अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी, ठीक है। अब ये जो अंधेरा रोशनी का सीन है, क्या होगा जी, यहां से आगे क्या होगा, समझ आ गया, ब्राइट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस, एंड डार्क इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम कहते हैं कि यार ये काम करो ना, वो जो सीन है उसका जरा रे डायग्राम समझाओ। सुनो जी, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक्चुअल में सीन क्या है, सीन ये है सर, जो डबल स्लिट थी, डबल स्लिट में से जो सिचुएशन थी वो क्या थी, मिसाल लेते हैं, डबल स्लिट में से जो रोशनी फैल रही थी उसमें से एक रोशनी आती है सपोज इस पॉइंट तक, ओके, और यहां इस वाले स्लिट से भी एक रोशनी जाती है उस पॉइंट तक। अगर ये जो दोनों हैं, अगर ये जो दोनों रोशनियां हैं, अगर इन दोनों रोशनियों में 0 मीटर का पाथ डिफरेंस हो या 0 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, तो स्टेप बाय स्टेप जवाब दीजिएगा क्या होगा यहां पे। अगर मतलब इस स्लिट वन से इधर तक लाएं, इस स्लिट वन से ऊपर तक लेके जाएं, बिल्कुल दो स्लिट्स के दरमियान में जो एक पॉइंट है, उन दो स्लिट्स के बिल्कुल दरमियान में जो एक पॉइंट है, वहां पे जाके जब क्या होगा, दो स्लिट्स के बिल्कुल दरमियान में जो एक पॉइंट है वहां पे, अगर इधर से S1 से आती हुई वेव और S2 से आती हुई वेव, S1 से आती हुई वेव और S2 से आती हुई वेव अगर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इंटरैक्ट करेंगे, अगर इंटरफेयर करेंगे, तो किस तरह से करेंगे सर, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, 0 मीटर का पाथ डिफरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और हम उसको बोलेंगे 0 ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंज, मतलब बिल्कुल दरम्यान वाली ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल दरम्यान वाली ब्राइट फ्रिंज, जो स्क्रीन के ऊपर सबसे दरम्यान में एक ब्राइट फ्रिंज बनी होगी, जो स्क्रीन के ऊपर सबसे दरम्यान में ब्राइट फ्रिंज बनी होगी, हम उसको कहेंगे 0 ऑर्डर वाला मैक्सिमा, 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। व्हाई डू वी कॉल इट 0 ऑर्डर, अभी आपने सुना नहीं
कि पाथ डिफरेंस इज जीरो जीरो मीटर, फेज डिफरेंस इज जीरो डिग्री, टू कॉल इट जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। के बिल्कुल दरमियान में, दो स्लिट्स के बिल्कुल दरमियान में जो सामने S1, S2 के बिल्कुल दरमियान में जो ये है, जो ये वाला रास्ता आ रहा है और जो ये वाला रास्ता आ रहा है, पहले वाला डार्क फ्रिंज का क्या ऑर्डर? ओ भाई जितना समझाता हूं उतना समझा करो यार, आगे का सवाल ना पूछा करो। एक और दफा एक्सप्लेन कर ले। हाँ ये सवाल है, वो डार्क फ्रिंज का मैं ब्राइट ड्राइव पढ़ा रहा हूँ, वो डार्क पूछ रहे, जितना पढ़ाया वो समझ आ गया। ये स्लिट वन है, इसमें से ढेर सारी रोशनी निकली है ना, इस तरफ को भी निकली है, इस तरफ को भी निकली है, इसमें से उस तरफ को भी निकली है, इस तरफ को भी निकली है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और इस पूरी जगह में यहां से लेकर यहां तक कोई ओवरलैपिंग वगैरह भी हो रही होगी। अच्छा, अब अगर इस ओवरलैपिंग में मैंने क्या कहा, इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा, होगा यहाँ पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट का सीन होगा, होगा ओके। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले यहां पर एक डार्क, डार्क नहीं सॉरी ब्राइट, ये जो मैंने कौन सा कलर है जी, ऑरेंज कलर की एक बनी हुई यहां पे, इफ आई से ये कौन है, ये कौन है जी, स्क्रीन का बिल्कुल दरमियान है इस S1 वाली स्लिट और इस S2 वाली स्लिट का भी बिल्कुल दरमियान है, यानी बिल्कुल दरमियान में जो ये जो पॉइंट है, यहां पर जो रोशनी दिख रही है क्यों दिख रही है, क्योंकि यहां S1 से एक वेव आई है, ठीक है, और S1 से एक वेव आई है, एक सेकेंड रुकिए, और ये एक वेव आई है, ये जो दोनों वेव्स जा रही हैं, इन दोनों का आपस का पाथ डिफरेंस कितना है, मैं अगर कहूं दोनों ने सेम लेंथ ट्रेवल की है, दोनों ने सेम S1 से जितनी लेंथ इस वेव ने ट्रेवल की है, S2 से उस सुराख से उतनी लेंथ इस वेव ने ट्रेवल की है, तो दोनों का लेंथ ट्रेवल्ड क्या है, सेम, दोनों के पाथ में डिफरेंस क्या है, दोनों के पाथ में डिफरेंस क्या है, जीरो, दोनों के फेज में डिफरेंस क्या होगा, जीरो, दोनों के दोनों इन फेज होंगे कि आउट ऑफ फेज होंगे, इन फेज होंगे, है जी, इन फेज होंगे ना, अच्छा जब ये इन फेज होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रोशनी ज्यादा होगी कि रोशनी गायब हो जाएगी, रोशनी ज्यादा होगी तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि नहीं बनेगा, मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा, हाँ बस नाम हमने क्या रख दिया इसका, हमने इसका नाम रख दिया दरमियान वाला मैक्सिमा, बिल्कुल दरमियान वाले को क्या कहते हैं हम, जीरो ऑर्डर कहते हैं, बिल्कुल दरमियान वाले को जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम जी। अच्छा अब अगर मैं कहूं ये जीरो, ये फर्स्ट ये जीरो ऑर्डर है सर, ये सिर्फ दरमियान वाले पे ही होगा जी, बेटा पूरी बात सुन लीजिए फिर आपका सवाल खत्म हो जाएगा, यहां पर ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, अगर मैं कहूं एक वेव आती है, यहां से अगर मैं कहूं ये जो मैंने दो एरोज बनाए हैं, अगर इन दो एरोज में पाथ डिफरेंस हुआ कितना, अगर इन दो एरोज में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा बाय टू, और इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना हुआ, 180 डिग्री, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सर यहां पे मिनिमा बनेगा, ओके जब यहां पे मिनिमा बनेगा तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो ये डार्क फ्रिंज होगी, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, हेलो समझ आ गया ना, पर ठीक है, लेकिन मैंने ड्राइंग में नहीं बनाया, समझ आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन ड्राइंग में नहीं इसको कैरी किया। अच्छा
अगली बात सुनो जरा, अब अगली अगली तरफ देखो, मैं इस पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि दोबारा जब मैक्सिमा बना उस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं। इस पॉइंट का सीन क्या है, मैं कहता हूं जी यहां से एक वेव जा रही है, ठीक, और यहां से एक वेव जा रही है। आपसे वैसे एक विजुअल से सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है किसकी लेंथ बड़ी है, S1 से जो वेव जा रही है उसकी लेंथ बड़ी है या S2 से जो वेव जा रही है उसकी लेंथ बड़ी है, कौन सी रे लंबी है? S2 वाली लंबी है ना। ओके, नाउ इफ आई से कि S2 वाली वेव में और S1 वाली वेव में, S2 वाली वेव में और S1 वाली वेव में आपसे सवाल है कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए ताकि दोबारा यहां पे क्या बने, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दोबारा मैक्सिमा बने, दोबारा ब्राइट फ्रिंज बने, दोबारा इन कितना 360 डिग्री होना चाहिए, ओ यस, या फिर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो भी सर नहीं, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, पूरे 1 लैम्डा का होना चाहिए, पूरे 1 लैम्डा का होना चाहिए। अच्छा अब मेरा आपसे एक सवाल ये है, व्हाट इफ आई से कि यार ये सिचुएशन है, यहां से एक वेव इधर आ रही है, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि इन दोनों में भी जो मैंने नीली नीली बनाई है, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब S1 वाला बड़ा है और S2 वाला छोटा है, अगर मैं कहूं इन दोनों में भी पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्डा, फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री, तो प्लीज टेल मी इसको भी मैं कौन सा ऑर्डर कहूंगा, इसको भी मैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ही कहूंगा, क्यों, बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग, दरम्यान वाले को 0, उससे ऊपर अगर फर्स्ट ऑर्डर है उससे भी नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्यों क्यों सर, उससे ऊपर भी 2 वेव्स जा रही हैं जिनका फेज डिफरेंस 1 लैम्डा हो सकता है। 2 मिनट मोहम्मद अली, 2 मिनट, एंड देखो जितना समझ आ रहा है उतना एब्जॉर्ब करो, एंड पे आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं पढ़ाना असल में क्या चाहता हूं, मैं असल में क्या पढ़ाना चाहता हूं उसको देख लेना। चलो 1 सेकेंड, मोहम्मद अली किधर हो आप, जरा खुद को करो ना, मोहम्मद अली पुत्र जरा अनम्यूट करिए। सर, वालेकुम सलाम, क्या पूछ रहे? सर, हाउ डू यू नो दैट एट द 0 ऑर्डर मैक्सिमा दैट द पाथ डिफरेंस इज 0? ओके, अभी आप अपने आप को खुद को अनम्यूट ही रखना, मैंने बात करनी है आपसे। राइट, डू यू सी द रे कमिंग फ्रॉम S1? यस सर, ओके, S1 से एक रे जाती है यहां तक और S2 से भी एक रे यस जाती है यहां तक, इन दोनों यस रेज की सर, लेंथ क्या है? इट लुक्स इक्वल, इट इज एग्जैक्टली इक्वल, इफ द लेंथ आर एग्जैक्टली इक्वल then is there any difference in their lengths? नो सर, सर माय क्वेश्चन वाज कि आई थॉट दैट वी वर जस्ट अज्यूमिंग दैट इक्वल, आई डिडंट रियलाइज कि वी वर लुकिंग एट द एग्जैक्ट थिंग, They are exactly equal. If they are exactly equal, ठीक है? If they राइट, are exactly अंडरस्टूड, equal, तो मुझे एक बात बताइए कि लेंथ में डिफरेंस 0 है, तो पाथ में डिफरेंस क्या होगा? जीरो, पाथ में डिफरेंस 0 होगा, तो जब पाथ में डिफरेंस 0 होगा तो फेज में डिफरेंस कितना होगा? जीरो, जब फेज में डिफरेंस 0 होगा तो क्या करूं? द 0 ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज इन फेज एंड वी कॉल इट 0 ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है? राइट सर, अंडरस्टूड, आप म्यूट कर लो खुद को। अच्छा जी, सो यू नो इसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर था, मुझे लगता है S1 से जो रास्ता जा रहा है, जो S2 से रे जा रही है, उनके बीच में 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो मैंने कहा फिर वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया
अगर ऊपर की तरफ 1 लैम्डा का डिफरेंस हो सकता है तो नीचे की तरफ भी तो 1 लैम्डा का डिफरेंस हो सकता है, तो मैंने उसको भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कह दिया। किसी को मसला है? अब अगर मैं कहूं कि जी मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं और मैंने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यहां पे एक बनाता हूं, इफ आई से एक वेव यहां से गई और एक यहां से गई, इन दोनों वेव्स में एक लंबी है एक छोटी है, एक ने छोटा रास्ता ट्रेवल किया है एक ने ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया है, अगर मैं कहूं इन दोनों में पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा और इन दोनों में फेज डिफरेंस इज 720 डिग्री, तो यहां क्या होगा? सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। हाँ जी, कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दो भाई। ओके, समझ आ गया सारा स्टेटस। अब कहानी ये है, कहानी क्या है? कहानी है कुछ रटना है जी। क्या रटना है? रटना ये है, अब जरा एक बात सुनो, मैं फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा लिखवाऊंगा। इफ आई से एक स्लिट और दूसरी स्लिट के दरमियान में जो गैप है, एक सुराख और दूसरे सुराख के दरमियान में जो गैप है, आई कॉल इट ए। दैट इज क्या? स्लिट सेपरेशन। मैं अगर इन दो सुराखों के बीच में जो गैप है वो मेजर कर लूं और मैं कहूं ये स्लिट सेपरेशन, तो किसी को मसला है? ओके, ये जो पहला मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, इनका जो गैप है अगर मेरे को, मैंने ये गैप भी मेजर कर लिया है, दैट इज नोन एज, इसको मैंने वाई बोल दिया। बताइए इस गैप को क्या बोलूं? एक जीरो ऑर्डर फ्रिंज, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, लाइक जीरो ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंज, इनके दरमियान में जो गैप है उसको मैंने क्या बोल दिया? वाई। अच्छा, इस डबल स्लिट वाले बैरियर से लेकर और स्क्रीन तक ये जो फासला है मैंने इसको भी मेजर कर लिया और मैंने इसको बोल दिया है कैपिटल डी, दैट इज स्क्रीन सेपरेशन। दो स्लिट्स के दरमियान में सेपरेशन, दो फ्रिंजेस के दरमियान में सेपरेशन, बैरियर और स्क्रीन के दरमियान में सेपरेशन। अगर आप दो स्लिट्स के दरमियान की सेपरेशन को कहते हो स्लिट सेपरेशन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। डी कहते हो स्क्रीन सेपरेशन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द बैरियर्स। वाई कहते हो आप फ्रिंज सेपरेशन को, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो लेट मी टेल यू, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्लिट सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन एंड स्क्रीन सेपरेशन एंड द पाथ डिफरेंस। क्या करो, एक फार्मूला है, उस फार्मूले को रटो तो मारो। एक फार्मूला है, उस फार्मूले का जरा भाई रटा तो मार दो। किस फार्मूले का? सर ये जो क्या सीन है जी, सुनो भाई, सर ये जो स्लिट सेपरेशन होती है इसको अगर मैं फ्रिंज सेपरेशन से मल्टीप्लाई करूं और स्क्रीन सेपरेशन से डिवाइड कर दूं, ए को वाई से मल्टीप्लाई करके डी से डिवाइड कर दूं, तो मुझे यहां पता चल जाएगा डेल्टा एक्स। क्या पता चल जाएगा? इफ आई से दिस इज डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये ए, दैट इज स्लिट सेपरेशन, दिस इज डी, दिस इज स्क्रीन सेपरेशन, दिस इज वाई, दिस इज फ्रिंजेस की सेपरेशन। अगर ये वाई दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का गैप है, अगर ये वाई दो ब्राइट फ्रिंजेस मतलब जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर तक का गैप है, तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, अगर ये वाई जिसको मैंने वाई बोला हुआ है,
जीरो ऑर्डर से लेकर फर्स्ट ऑर्डर तक का जो सेपरेशन है, लेंथ है, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, या किसी भी चीज में, अगर ये जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर तक है तो वन लैम्डा, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा सर? डेल्टा एक्स की जगह लिखेंगे वन लैम्डा, हाँ जी। इफ वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस देन द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू वन लैम्डा। हियर यू गो, दिस इज द इक्वेशन विच यू नीड टू लर्न। ए ए क्या है? स्लिट सेपरेशन। वाई क्या है? फ्रिंज सेपरेशन। डी क्या है? स्क्रीन सेपरेशन। लैम्डा क्या है? जो आपने वेव यूज की थी उसका लैम्डा। कहता जी, इफ थ्री वेरिएबल्स आर नोन, फोर्थ वेरिएबल इज इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। हाउएवर मोस्ट क्वेश्चंस आर क्वालिटेटिव। ये क्या बात हुई? फॉर्मूला याद कर लोगे भाई? कहता क्वेश्चंस तो क्वालिटेटिव होते हैं। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्वालिटेटिव होते हैं। क्या मतलब है क्वालिटेटिव का? कि अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो उसको क्या होगा? नहीं, थ्योरी नहीं। ये डबल करूंगा तो वो क्या मतलब? जैसे नहीं होता, वो एक होता है ना क्वांटिटेटिव, प्रॉपर न्यूमेरिकल होता है कि पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। क्या था यार, ये वैल्यूज पुट करने वाला सवाल नहीं होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से होंगे? ज्यादातर क्वेश्चंस ना वो वाले होंगे, क्या कहता है, क्वालिटेटिव, प्रोपोर्शनैलिटी वाले टाइप, प्रोपोर्शनैलिटी टाइप। कैसे? ऐसे। व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज सेपरेशन इफ यू रिप्लेस येलो लाइट बाय ब्लू लाइट? कैन यू प्लीज रिपीट? अपने हाथ से लिखो, सब समझ आ जाएगा। सुहेब बेटा, अपने हाथ से लिखो, फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। चलो, एक तो ए क्या है? दो सुराखों के दरमियान का गैप, स्लिट सेपरेशन। डी क्या है? स्क्रीन बैरियर से कितना दूर है, स्क्रीन सेपरेशन। वाई क्या है? दो जो फ्रिंज सेपरेशन है वो। लैम्डा कौन है? जो आपने वेव यूज किया उसका लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू ए वाई अपॉन डी। जो वेव यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा, जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा, स्क्रीन और स्लिट के दरमियान का गैप, दो सुराखों के दरमियान का गैप, दो रोशनियों के दरमियान का गैप। अब समझ आ गया भाई, कर लोगे? रटा मारा ना यार। हाउ इज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा? प्लीज एक्सप्लेन दैट। इफ वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, इफ वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, इफ दिस इज वाई, तो प्लीज बताइए मैंने क्या कहा था इसके बारे में, कि ये कब मुमकिन होगा? जीरो ऑर्डर तो तब होता है जब जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑर्डर की वेव कब पैदा होती है? फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा कब होता है? जब आने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस वन लैम्डा होता है। जी बेटा जरा खान, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यस सर, क्या मतलब? समझ आ गए? अच्छा ठीक है, सो यू नो, आगे चलता हूँ भाई। बस आप एक काम करो यार, इस चीज का रटा लगा लो प्लीज, इस चीज का रटा लगा लो। अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल हो ना, पता है क्या मुश्किल सवाल हो सकता है? मुश्किल ये हो सकता है कि बताओ ये इक्वेशन क्या होगी। चलो मैं पूछता हूँ। इफ आई से वाई इज द डिस्टेंस, इफ आई से वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम जीरो ऑर्डर मैक्सिमा टू सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, चलो अगर y जो है ना आप जीरो ऑर्डर से लेकर सेकेंड ऑर्डर तक का गैप ले रहे हो, तो फिर डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? टू लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी। इफ यू थिंक कि y इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑर्डर टू द सेकेंड ऑर्डर वाला फासला, तो इट शुड बी टू लैम्डा। ठीक है, समझ आ गया? और अगर मैं कहूं कि आप कहते हो सर ये जो y है ना, y है जीरो ऑर्डर मैक्सिमा से लेकर बिल्कुल जो फौरन बाद डार्क लाइट आती है, तब फॉर्मूला क्या होगा? एक सेकेंड, अगर मैं कहूं वाई जो है ना, वाई यहां से लेकर
ये गैप है. इफ आई से दिस इज वाई जीरो ऑर्डर, यहां अगर ये जीरो ऑर्डर पर रोशनी है, फर्स्ट ऑर्डर पर रोशनी, दरमियान में क्या होगा? दरमियान में अंधेरा होगा ना. फिर आपकी इक्वेशन क्या होगी? फिर आप कहना सर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन टी. अगर आप वाई कहते हो जीरो ऑर्डर से नियरेस्ट डार्क जगह तक रास्ता, तो दिस शुड बी लैम्डा बाय टू. आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया. आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया. आपको फॉर्मूला समझ आ गया है तो आप आराम सुकून से इन सवालों को भी सॉल्व कर लेंगे. 10 बज गए, बस सवाल सॉल्व करता हूँ फिर केमिस्ट्री पे जाते हैं. एक सेकंड रुकिए. सर अगर y ऊपर वाले फर्स्ट ऑर्डर से लेकर नीचे वाले फर्स्ट ऑर्डर तक है तो पाथ रेफरेंस क्या होगा? 2 लैम्डा. पहले फर्स्ट ऑर्डर से नीचे वाले फर्स्ट ऑर्डर तक जाएंगे तो आप डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखोगे? हंजल आप खुद बताओ. अगर आपने मतलब ये सवाल डिसाइड करेगा कि आपने y किसको कहना है. हम तो y, अगर आप हम मुझसे पूछोगे y, तो मैं कहूंगा जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर तक y है, तो वहां 1 लैम्डा लिख लो. फॉर्मूला मैंने तो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी याद किया हुआ है. ठीक है, अब सवाल वाला ये कहेगा, ये तो मैंने फॉर्मूला चेंज किया है, तो मैंने फॉर्मूला आगे पीछे किया. सवाल ये कहेगा, सवाल ये सुनो जरा, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज सेपरेशन. ये बड़े मजे का सवाल. फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है? वाई कहते हैं, वाई को क्या होगा इफ वी रिप्लेस येलो लाइट बाई ब्लू लाइट, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड विप योर होता ना, 400 से लेकर 700 तक होता ना है. येलो रिप्लेस येलो बाय ब्लू. अगर पहले येलो थी और अब आपने ब्लू कर दी है तो प्लीज बताओ वेवलेंथ को क्या हो गया है? वेवलेंथ को क्या हो गया? वेवलेंथ कम होगी. ओके ओके, मेरे बाप बताओ. इस वक्त ये उसने गलत लिखा हुआ है, स्क्रीन सेपरेशन चेंज नहीं हुई, आपका स्लेट सेपरेशन भी चेंज नहीं हुई. वाई लिखो इधर. हाँ जी, इसकी वाई के साथ लैम्डा की वाई के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? लैम्डा की वाई के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? देखो ना, स्क्रीन सेपरेशन का सवाल नहीं है सर, स्लेट सेपरेशन में नहीं है, फ्रिंज का पूछ रहा था. तो लैम्डा और वाई का आपस में प्रोपोर्शनैलिटी है. अगर आपका लैम्डा कम हो जाता है, अगर आप लैम्डा कम हो जाता है तो फ्रिंज की सेपरेशन कम नहीं हो जाएगी. हाँ जी, समझ आ गया. उसने वो गलत किया हुआ था, ए को काटना था, ए और डी को काटो, वाई चेंज नहीं हो रहा, वाई कांस्टेंट नहीं है. वाई के साथ लैम्डा की प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, वाई के साथ लैम्डा की प्रोपोर्शनैलिटी बनानी थी. ठीक है, ओके. सिमिलरली कहता है व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज सेपरेशन, वाई को क्या होगा इफ द स्लिट सेपरेशन लाइक ए इज डिक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. कहता है अगर आप स्लिट को कम, स्लिट सेपरेशन को कम करते हैं तो फ्रिंज सेपरेशन को क्या होगा? फिर ये तो यार बच्चों का सवाल है ना. लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी, लैम्डा इंटू डी इज इक्वल टू ए वाई. फिर क्या सर वो उधर कर लें उसको, लैम्डा इंटू डी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई. तो ए का और वाई का क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? स्लिट सेपरेशन इज डिक्रीज. अगर स्लिट सेपरेशन डिक्रीज कर दोगे तो फ्रिंज सेपरेशन क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज. कोई मसला है? इस तरह के सवाल आते हैं इसमें. मुझे उम्मीद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई. ओके ओके जी. तो भाई किसी को मसला है फिजिक्स में? किसी को मसला है मुझे बताइए. यहां पे जाके फिजिक्स का लेक्चर एंड करें प्लीज. हैं सर ये फुल मेन वाले वेव हैं, क्या कह रहे हो सर? ये फुल मेन वाली वेव्स हैं. हाँ एग्जैक्टली, कंफर्म सवाल है पेपर में ये वाला. अभी जो मैंने आपको सवाल कराया पेपर में कंफर्म सवाल है जी. या असल ये आपके ए लेवल्स वाली वेव्स के सवाल आते हैं, ऐसे ए लेवल्स की वेव्स में इस तरह के सवाल आते हैं.
ठीक है और इस लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी से तो 100% सवाल आता है, एमसीक्यू में ना आया तो थ्योरी में आएगा, थ्योरी में ना आया तो एमसीक्यू में आएगा। तो इस फॉर्मूले को रट लो भाई, इस फॉर्मूले को रट लो, लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी, लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन डी। सही डिफिकल्टी है वेव्स की या आगे मुश्किल है? बस ये जब समझाता जाऊंगा तो आपको समझ आता जाएगा, जब इंसान को चीज समझ आ जाए तो डिफिकल्टी आसान हो जाती है, जब तक समझ नहीं आती तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नोट समझने की हद तक तो मैं काम को आसान करूंगा, जब वो सवाल आता है तो थोड़ा सा ट्रिक मारता है, सवाल में थोड़ी थोड़ी ट्रिक मारेगा वो, सवाल में थोड़ा थोड़ा ट्रिक मारेगा वो, देखते हैं क्या ट्रिक होगी, जब एंड करेंगे तो खुद समझ आ जाएगी। जी भाई,